जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर बह रही उमड़ैत नदी की उमर को रेत माफियाओं की बुरी नज़र लग गई है। चंद महीनों से मार्केट में बढ़ती उमड़ैत की सफ़ेद सुंदर रेत की मांग माफियाओं का मुकम्मल बन गई है। अब तो रेत के बड़े बड़े रत्नाकर से लेकर नगर के नामचीन नेतागढ़ भी उमड़ैत की उमस में गरमाए हुए हैं। गरमाए ही क्यों ना, औरों से दोगुना दाम भी इसी में मिलता है, जिसकी पुनरावृत्ति पूर्ण चरम पर है। किंतु कमलनाथ की कपटनाथ सरकारी मशीनरी चीर निद्रा पर चली गई है और जाना भी जरूरी है, क्योंकि कोई और नहीं कमलनाथ के कबूतर ही तो दाना चुगने में जुटे हुए हैं। कोहरवारा में लहराती रेत की खेती ना तो कोई सरकारी सिक्का लगा खेत है और ना खलियान, बावजूद फसल फल फूल रही है। फसल फलेगी फूलेगी क्योंकि एक कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस।